अस्सलाम वालेकुम, मैं अली उस्कर ताज। मैंने उम्मीद है मेरे सब दोस्त कर वफीए दे नाल होंगे। प्यारे दोस्तों, अगर तुहाडे घर दे विच दो तो तीन किलो दुध डेली आउंदा है ना, तो फिर तुहाडे घर दे विच किसी भी सूरत मक्खन खत्म नहीं होना चाहिए। मैं अज तुहानूं ऐसा तरीका दसांगा कि जिहदे नाल तुहाडे घर दे विचों इस्तेमाल वास्ते कदी भी मक्खन जिहड़ा ना वो खत्म नहीं हो सकता। और करना की हैगा कि डेली दुध जो तुम दुध उबालना है, दुध नूं उबाल के सब तो पहला उहदी मलाई तैयार करनी है। मलाई उहदी किस तरीके नाल तैयार करनी है कि जिस वेले दुध नूं उबाल देना है, उबाल के जिस वेले उहदा टैंपरेचर जिस वेले उहदा लो होवे उहनूं चुक्के ते तुसीं फ्रिज दे विच रख देना है। फ्रिज विच जो तीन तो चार घंटे तुसीं रखोगे ते मलाई जिहड़ी है बमा क्रीम उह सारी उत्ते आ जाएगी। और बड़े अच्छे तरीके जी मलाई है तुसी उतार लेनी है। मलाई नूं उतार के तीन तो चार दिन की जी मलाई है तुसी कठी करके ते फिर तुसी जी मलाई उहदा तुसी दही जमाना है। दही किस तरीके नाल जमाना है वह मैं तुहानूं दस दवां कि मैं इस वेले दुध गर्म करके रखिया है। यह मेरे को तीन दिन की मलाई है कठी हुई। दुध मैं केतली जी मैं दुध गर्म किया है। दुध गर्म तो बाद फिर मैं ऐसे बर्तन दे विच पाया जेड़े बर्तन दे विच एडी जल्दी साडा दही साडा दुध ठंडा ना होवे। और इहनूं हुण मैं जाग लावांगा, जाग असीं लावांगे इहनूं कोसिआं नूं। कोसा असीं किवें चैक करना, कोसा तो मुराद इह हुंदा है कि जेड़ा ना तो ज्यादा गर्म होवे और ना ज्यादा ठंडा होवे। और जिहड़ी असीं उहदे च जाग पाउणी है तुसीं जाग वेख रहे हो लिक्विड जिहड़ा ना बिलकुल पतली जी जाग है। और इहनूं ऐसे तरह ही असीं बिलकुल पतला जिहा बना लैणा। अगर साडा दही होवे सख्त फिर असी तीन चार चमचे ए दुध पा लेने, दुध तीन चार चमचे पा के फिर इन पतला करना है। पतला करने तो बाद फिर असी जाग लानी है। ए जाग कि लानी है एक दो चमचे। एक चमचा भी काफी होंगे मगर एक चमचा काफी उस जगह से होंगे जिस जगह से मलाई थोड़ी हो दुध ज्यादा हो। जिस जगह मलाई ज्यादा हो दुध घट हो हमेशा एक चमचा जाग का ज्यादा रखना चाहिए। और असी अगर गर्मिया का मौसम है तो फिर जरूरत नहीं हैगी कवर करने की। अगर तकरीबन गर्मिया का मौसम नहीं है, सर्दियां गर्मिया का मौसम है तो फिर तुसी ये तो कपड़ा जरूर देना है क्योंकि दो तो तीन घंटे इनू गरमैश चाहिए होंगी है। दो तो तीन घंटे बाद जरा ना यह दही फिर जमना शुरू हो जाता है। उस तो बाद टेंपरेचर लो भी हो जाए तो कोई गल नहीं। मैं इस वेले तुहाडे सामने इन कवर करांगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमान इन्हें मैं इंशाल्लाह हम कवर कर दिता है। कवर करने तो बाद सवेरे नूं चुक के मैं फ्रिज ही रखांगा। जिस वेले इहदा टैंपरेचर थोड़ा जिहा घटेगा उस वेले फिर जिहड़ा ना इहदा मैं तुहानूं इहदे उत्तों तुहानूं मैं मक्खन कढ के विखावांगा इंशाल्लाह। बाकी जिहड़ा उस तों बाद इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मैं राती असी जिहड़ा दही जमाया सी इहनूं हुण देखांगे इंशाल्लाह। सुबहानअल्लाह, माशाअल्लाह, साडा बेहतरीन दही जम गया। इहनूं असीं हुण थोड़ी देर वास्ते रखांगे फ्रिज दे विच तां कि जिहड़ा इहदा टैंपरेचर है वो थोड़ा जिहा लो हो जाए। जिस वेले इहदा टैंपरेचर थोड़ा जिहा घटे उस तों बाद फिर इहदे विच जिहड़ा मिलिंडर मिक्सर दे विच पा के फिर असीं इहदा इहदे विच दही दे विचों असीं मक्खन कढांगे। फ्रिज दे विच थोड़ा जिहा ठंडा करके टैंपरेचर थोड़ा जिहा घटा के असीं लै के आए। मैं माशाअल्लाह दही वेखो माशाअल्लाह कितना प्यारा जमा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और फिर थोड़ा जिहा पानी पा के
थोड़ा जहा सेज पावे पानी थोड़ी देर असी मिक्स किया मगर हल तक जो मक्खन है वह बनिया नहीं है मतलब थोड़ी देर असी होर इन मिक्स करांगे। माशाला माशाला अलहमदुल्ला सा मखन निकल आया मखन सा निकल आया हूँ असी इन एक चमचे की मदद के नाल असी प्लेट के कटा माशाला सुबहान अल्लाह पाक दी कुदरत मक्खन जो बनाया है अपने घर के दही और घर की मलाई और उस तो बाद फिर असि इस तरह करा सा जो लस्सी निकली है लस्सी के करा चीनी ऐड और असि बना लवेंगे दरेड़का माशाल्लाह साडी लस्सी भी तैयार हो गई और साडा दही भी तैयार हो गया माशाल्लाह। माशाल्लाह साडा मक्खन भी और साडी लस्सी भी बिलकुल बेहतरीन मक्खन खाने वास्ते और लस्सी पीने वास्ते बिलकुल तैयार है। अगले व्लॉग तक मैं इजाजत दियो। अल्लाह हाफिज़।